लेकिन जहां दावा होता है वहां दलील की भी जरूरत होती है, वहां बराबर सबूत भी पेश करना होता है। तो अब जब हम अपनी मुहब्बतों को देखते हैं, अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखते हैं, नशे को फराज को देखते हैं और गौर करते हैं कि यहाँ क्या मामला है, कि अगर हमारा बच्चा है, हमारी औलाद है, हमारे दिलों का टुकड़ा है और वो खेल रहा है, खेलते खेलते अगर किसी को तकलीफ दे, बॉल लग गया और सामने वाले के वालिद ने या वहां देखने वाले किसी बड़े ने उसकी तरबियत कर लिए, कहा कि बेटा तुमने गलत किया, उसे डांटा, आपकी औलाद को आपके बच्चे को अगर कोई डांटता है तो आपको गुस्सा आता है, अगर देखे गलती है, अगर देखे कमी है, अगर देखे उसकी तरबियत होनी चाहिए थी वो गलती उससे नहीं होनी चाहिए थी, वो खता पर है, तब भी अगर आपकी औलाद को डांटता है तो आपको गुस्सा आता है, आप कहते हैं कि आप कैसे डांटे, मैं खिलाया मैंने उसकी परवरिश की है, आपको डांटने का हक नहीं है। औलाद की मोहब्बत में आप उसकी खता को भी छोड़ते हैं और सामने वाले से नड़ पड़ते हैं। उसी तरह वालदैन की मोहब्बत को देखें कि जिनकी खिदमत में हम रोजमर्रा सुबह शाम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी खिदमत के लिए बहुत से काम करते हैं। अगर कोई शख्स आपके वालिद के बारे में कोई ऐसा जुमला कहते जो ना शाइस्ता हो, ना जेबा हो, या फिर कोई ऐसी सिफत जो आपके वालिद में है, ऐसा है जो आपके वालिद में है, वो आपके सामने जाहिर कर दे कि कहे कि भाई आपके वालिद ने फला शख्स की गीबत की है, फला शख्स की चुगली की है, फला शख्स के बारे में बुरा भला कहा है, फला शख्स से झगड़ा किया है, ना हक उसको मारा है, वही एक है। अगर जो आपके वालिद में मौजूद है उस जिनके लिए मैं जी रहा हूं, जो मेरे लिए